हेलो वेलकम, कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो प्लीज़ एक स्माइल कीजिए ना। ओके, तो आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको मैं फिर से बता दूं कि आप जो हेडिंग देख रहे हैं, रियल नंबर पार्ट टू। बेसिकली पार्ट वन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। पार्ट वन में हमने रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं अपने, सारे नंबर हमने कवर कर लिए हैं पार्ट वन में। तो अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो आप पार्ट वन के वीडियो जा करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार जस्ट व्यू करोगे। सारी बेसिक्स की जो बातें हैं, वो सारी बेसिक हमने इस चैप्टर से रिलेटेड वहाँ पे कवर किया है। आज की वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि HCF कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड HCF। तो आपके चैप्टर में दो टाइप के मेथड दिए हैं HCF फाइंड करने के। फर्स्ट मेथड बाय यूक्लिड एल्गोरिदम एंड सेकंड मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। बचपन से हम ये दोनों करते आ रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप पहले करते थे, यहाँ भी करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन चीज़ें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो चलो बेसिक अपना जो मेन टॉपिक था फाइंड HCF, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि क्या है चीज़ें, आपको समझ आएंगी। एक्सरसाइज की चिंता आप बिल्कुल ना करो। एक बार मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो कल के क्लास में मैंने आपको, पिछली वीडियो में मैंने आपको यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो मैंने समझा दिया था कि डिविडेंड इक्वल टू, क्या बताया था, मैं 2 मिनट ले लूं, मैंने बताया था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को यूक्लिड ने कुछ इस टाइप से बताया था, ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, वेयर आर वेरी 0 से ग्रेटर था और लेस देन बी था। मतलब डिवाइजर से आर छोटा होगा, 0 से ग्रेटर इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे मार्क भी करवाया था आपको कि ये पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब जो पेपर है आपके, फाइनल पेपर या स्कूल के एग्जाम, कोई भी एग्जामिनेशन हो, एग्जामिनेशन में ये कंडीशन पूछ लिए जाते हैं कि आप बताओ कि ये क्या है यूक्लिड का, है ना? तो यूक्लिड ने इसी चीज़ को बताया था। मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है आपको, एक क्वेश्चन भी हमने किया था, तो आप वहाँ एक बार देख लो, आपको क्लियरली समझ आएगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे हम डिवीजन फाइंड करते हैं, सॉरी HCF फाइंड करते हैं यूक्लिड से। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर लेंगे पूरे। तो क्वेश्चन है आपका, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड, यूज ओके राइट। तो यूज मतलब आपको बेसिकली मैं बताऊं कि यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ, एक क्वेश्चन आप बेटा ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें करने को, ठीक है? 408 एंड सेकंड नंबर इज 1032। HCF फाइंड करेंगे, दो नंबर का HCF फाइंड करेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट HCF ऑफ टू नंबर बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, ठीक है? इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, एक बार बस आप ध्यान से देखना। चलो मैं बताता हूँ आपको, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो नंबर है, आप क्या करो, एक नंबर बड़ा वाला है, एक नंबर छोटा नंबर है, क्लियर है? क्वेश्चन में जब भी HCF फाइंड करने को आएगा तो दो नंबर रहेंगे, एक ग्रेटर एक स्मॉलर। तो हमेशा आपको क्या करना है, ग्रेटर वाले नंबर को डिवाइड करना है स्मॉलर वाले नंबर से। ग्रेटर वाले नंबर को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है स्मॉलर वाले नंबर से। फर्स्ट पॉइंट आप ये ध्यान रखो। तो 408 स्मॉलर है, उससे मैंने डिवाइड किया 1032 को। तो आप देखो कितने टाइम्स में आप डिवाइड कर पाओगे, तो 4 3 12 हो जाता है। अगर मैं
थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ 408 को तो इट विल बी 1200 समथिंग, पर हमारे पास तो 1032 है तो हम इसको टू टाइम्स में डिवाइड करेंगे। टू टाइम्स में कितना हो जाएगा, 816 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आ गया, 216 आ गया। अब बेटा एक बात बताओ, क्या इसी चीज को हम पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये फॉर्म में, ये फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है, किसी भी डिवीजन को हम इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो यूक्लिड ने कहा कि आप इस डिवीजन को इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो यहां पे मैंने लिखना शुरू किया ऑन डिवाइडिंग 1032 बाय 408 वी गॉट ये सॉल्यूशन है आपका, है ना, ये सॉल्यूशन है। वी गॉट टू एज कोसेंट, ये देखो ना यहां पे बाबू रे, यहां पे टू है ना कोसेंट, तो टू एज कोसेंट आपको देखना है। जस्ट इसी डिवीजन को तो लिख रहा हूं ना मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, 216 एज रिमाइंडर, 216 एज रिमाइंडर। क्या किया मैंने, दो नंबर था जिसका हमें HCF फाइंड करना था, तो एक नंबर ग्रेटर था एक नंबर स्मॉलर था। प्रोसीजर है कि यू हैव टू डिवाइड अ ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। तो 1032 को मैंने डिवाइड किया 408 से, और इसी को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया कि ऑन डिवाइडिंग 1032 बाय 408 वी गॉट टू कोसेंट, ये देखो ना ये टू कोसेंट है ना, एंड 216 एज रिमाइंडर लिख दिया। अब यूक्लिड साहब बोलते हैं, तो अब यहां पे यूक्लिड के फॉर्म में लिख लो, मतलब इस फॉर्मेट में, देयरफॉर बाय डिवीजन लेमा वी गेट, क्या हो जाएगा ये, वी गेट, इसी को लिख लो डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड क्या है आपका 1032, देखो ना डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड ये है जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर क्या था 408 था, कोसेंट क्या आया 2, और रिमाइंडर क्या आया बेटा 216। बहुत आसान है, देखो ये किया ये कर दिया। पर एक बात बताओ आपको, यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 दिख रहा है, रिमाइंडर तो 0 नहीं हुआ। यही कंडीशन है यूक्लिड के डिवीजन का, यही बात आपको ध्यान रखना है कि हम तब तक ये डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो इसका मतलब हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग 408 बाय 216। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो पिछले प्रोसेस में हमारा डिवाइजर था ना, उसको हम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो पिछले प्रोसेस में हमारा डिवाइजर क्या था 408, रिमाइंडर क्या है 216, तो इस बार ये 216 से हम डिवाइड करेंगे 408 को। अगर मैं टू टाइम्स में डिवाइड करता हूँ 216 इंटू टू, तो हो जाएगा 432, बट हमारे पास कितना है 408, तो मैं वन टाइम में ही डिवाइड करूंगा इसको। सो 216 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ये माइनस करने के बाद 192। तो ऑन डिवाइडिंग, फिर से सेम प्रोसीजर आपको वापस लिखना है, ऑन डिवाइडिंग 408 बाय 216 वी गॉट वन एज कोसेंट, बोलो ना बाबू रे, वन एज कोसेंट एंड 192 एज रिमाइंडर। जो आपने डिवीजन किया वो लिख लिया। अब इसी को फिर से लिख लेंगे हम डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर डिविडेंड क्या था आपका 408 इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर क्या है बेटा देखो 216, तो 216, कोसेंट क्या है 1, और रिमाइंडर क्या है 192,
फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं आया, मतलब मुझे फिर से ये प्रोसीजर वापस करने पड़ेंगे जब तक कि जीरो ना आ जाए। तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया ना, रिमाइंडर नॉट जीरो, तो हम फिर से लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, इस बार किससे किसको डिवाइड करेंगे। तो अब हमारा पिछला प्रोसेस, अब मैं अगली प्रोसेस लिखने जा रहा हूं, तो पीछे वाले टाइम में डिवाइजर क्या था 216 और रिमाइंडर क्या है 192, तो 216 को 192 से डिवाइड करेंगे। तो ऑन डिवाइडिंग 216 बाय 192, 192 से डिवाइड कर लो 216 को, कितने टाइम्स में जाएगा, वन टाइम्स में, तो 192 माइनस करोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 24, राइट 24। तो यहां पे लिख लेंगे वी गॉट वन एज कोसेंट एंड वन एज कोसेंट एंड 24 एज रिमाइंडर। वन कॉसेंट मिला, 24 रिमाइंडर मिला। देखो ना, यहाँ यहीं से मैं सेम प्रोसीजर कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, नीचे क्यों करता जा रहा हूँ, यही प्रोसीजर है, यही एल्गोरिदम है। मैंने आपको बताया था ना, एल्गोरिदम एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए। तो एच सी एफ फाइंड करने का यूक्लिड ने यही प्रोसीजर बताया है, इसलिए हम ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो बेटा, अब भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अब भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, मतलब मुझे वापस डिवीजन करने पड़ेंगे। तो इस चीज को मैं वापस क्या लिख दूं, इस चीज को मैं यहां पे लिख दूं, आपको यहां पे लिख देता हूं मैं। डिविडेंट क्या था हमारा, डिविडेंट था हमारा 216 इक्वल टू, डिविडेंट इक्वल टू यही है ना फॉर्मूला, देखो ऊपर में, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, तो 192 डिवाइजर है, कोसेंट 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 24। तो अब फिर से नहीं आया, मतलब अब यहाँ पे लिखूंगा मैं ये कॉर्नर पे, बेटा देखना थोड़ा सा जगह की कमी है। हाँ, तो अब ये रिमाइंडर किसको डिवाइड करेगा, इस 192 को, है ना। पहले से हम तो यही तो करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, कि यहाँ पे देखो ये 192 किसको डिवाइड किया 216 को, 216 किसको डिवाइड किया 418 को। सिमिलर वे में इस बार भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो ये रिमाइंडर इस 192 को डिवाइड करेगा, तो ये 24 192 को डिवाइड किया, तो 8 टाइम्स में ना ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो रिमाइंडर जीरो आ गया, तो अब फिर से इस प्रोसीजर को तो आपको लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो आप लिखो ऑन डिवाइडिंग 192 बाय 24 वी गॉट 8 एज कोसेंट एंड 0 एज रिमाइंडर। अब इसी चीज को आप इस फॉर्मूले वे में तो लिख सकते हो, तो डिविडेंड कितना है इस बार 192, डिवाइजर कितना है 24, कोसेंट कितना है 1, और बेटा रिमाइंडर सॉरी कोसेंट कितना है 8 और रिमाइंडर क्या है 0। अब सुनो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यूक्लिड साहब ने कही, यूक्लिड साहब ने ये कहा कि जिस प्रोसेस में बेटा ध्यान से सुनना, जिस प्रोसेस में रिमाइंडर जीरो हो जाएगा ना, उस प्रोसेस का जो डिवाइजर होगा वो आपका एच सी एफ होगा। तो इस प्रोसेस में हमारा रिमाइंडर जीरो हो गया, तो डिवाइजर क्या है यहाँ पे 24, सो आर आंसर इज 24, एच सी एफ हमने निकाल लिया 24, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। पिछली क्लास में हमने डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर पढ़ा था, उसी को यूक्लिड ने कहा कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा है, आर वेरी करेगा जीरो से लेके बी तक, जहाँ पे जीरो के इक्वल भी हो सकता है और बी से छोटा होगा, तो इनइक्वलिटी के ये साइन को आप ध्यान रखेंगे। यूक्लिड का एल्गोरिदम कहता है कि इफ यू हैव टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ टू नंबर, सो वन नंबर विल बी ग्रेटर एंड वन नंबर विल बी स्मॉलर, सो यू हैव टू डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। दो नंबर है, एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, ऑब्वियसली। तो जो यूक्लिड साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जो ग्रेटर नंबर है उसको आप स्मॉलर से डिवाइड करो, और उस स्टेप को आप इस फॉर्मेट में लिख दो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो आता है
तो उस प्रोसेस का डिवाइजर HCF होगा, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो आप डिवीजन कंटिन्यू रखेंगे, मतलब अगली प्रोसेस में आप डिवाइज करेंगे डिवाइजर को रिमाइंडर से, डिवाइजर को रिमाइंडर से, ये देखो डिवाइजर को रिमाइंडर से, डिवाइजर को रिमाइंडर से, और ये काम आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। एक बार रिमाइंडर जीरो आ गया तो उसी प्रोसेस का जो आपका डिवाइजर होगा ना, देखो इस प्रोसेस में क्या लिखा था हमने, 192 डिविडेंड था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो जिस प्रोसेस में रिमाइंडर जीरो आया, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, वहां का जो डिवाइजर होगा ना वो डिवाइजर आपका HCF हो जाएगा, वहां का जो डिवाइजर होगा वो आपका HCF हो जाएगा। है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आज की डेट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, है ना। देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे का। ठीक है, चलो फिर अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और जो मैं ले रहा हूँ, मान लो कि आपको फाइंड करना है HCF, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। एक बच्चा बोलता है कि सर क्या इसको यूक्लिड से करना है? हाँ बेटा, इसको यूक्लिड से करना है। तो वो बच्चा मुझे क्या बोलता है पता है, कि सर क्या इसको डिवाइड करूं मैं, क्योंकि एक नंबर आपने बोला था ग्रेटर होगा, एक नंबर स्मॉलर होगा, तो क्या मैं इस ग्रेटर वाले नंबर को स्मॉलर वाले नंबर से डिवाइड करूं? हाँ बेटा बिल्कुल डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डिवाइड करके देखो, 1 टाइम्स में ये डिवाइड होगा 135। सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको, 5 माइनस 5 जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 3 9, 90 आ जाएगा रिमाइंडर। ये हो गया आपका कोसेंट एंड दिस विल बी योर रिमाइंडर, राइट। तो यही काम हम करते थे यूक्लिड में, दो नंबर होता है, छोटे वाले नंबर से हमेशा आप बड़े वाले नंबर को डिवाइड करोगे, यही प्रोसीजर है, यही दिया उन्होंने मेथड। इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसी चीज को मैं यहाँ लिख दूंगा कि ऑन डिवाइडिंग, जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। देखो ना एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पिछले क्वेश्चन में अपन ने यही किया ना, ये देखो ऑन डिवाइडिंग 1032/48। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग 225/135 वी गॉट 1 एज कोसेंट एंड 90 एज रिमाइंडर, 1 एज कोसेंट एंड 90 एज रिमाइंडर। बहुत आसान है ना, देखो सेम चीज। तो इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से क्या लिखेंगे, देयरफॉर, उसके फॉर्मेट में तो लिखना पड़ेगा ना ये सिंपल डिवीजन को, तो बाय डिवीजन लेमा, बाय डिवीजन लेमा, आप अगर देखो ना पिछला ये देख लो, ऐसे ही लिखा था ना, बाय डिवीजन लेमा, फिर से लिख देंगे इसको भी, बाय डिवीजन लेमा वी गेट, बाय डिवीजन लेमा वी गेट डिविडेंड इक्वल टू क्या था अपना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड किसको बोलते हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्या है जो डिवाइड कर रहा है, कोसेंट इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। अब वो बच्चा पता है क्या बोलता है कि सर रिमाइंडर तो जीरो नहीं आया, इसका मतलब हमें डिवीजन कंटिन्यू करना पड़ेगा, अगर रिमाइंडर जीरो आता तो डिवीजन कंटिन्यू नहीं करते, पर रिमाइंडर इज नॉट जीरो, तो रिमाइंडर जीरो नहीं है तो हमें डिवीजन वापस करना पड़ेगा। पर बेटा डिवीजन किससे किसको करेंगे, इस रिमाइंडर से इस 135 को करेंगे, ये चीज याद रखना, रिमाइंडर से इस 135 को, यानी डिवाइजर को। तो रिमाइंडर 90 है, डिवाइजर 135 था,
वन टाइम में डिवाइड होगा 90, कितना आ गया यहाँ पे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45, है ना 45। तो अब फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन डिवाइडिंग, यही करते हैं ना, है ना, ऑन डिवाइडिंग 135 बाय 90 वी गॉट वन एज कोसेंट एंड 45 एज रिमाइंडर। यही तो कर रहे थे, है ना, लिख दिया। अब इसी चीज को आपको इस फॉर्मेट में भी तो लिखना पड़ेगा ना, डिवीजन लेमा का जो फॉर्मेट है, डिवीजन लेमा का फॉर्मेट क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड देखो ना बेटा क्या है यहाँ पे 135, तो देयरफॉर 135 इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर 90 है, कोसेंट 1 है और रिमाइंडर कितना है 45। अब आप बोलोगे कि सर रिमाइंडर तो फिर से जीरो नहीं आया, तो क्या हम फिर से डिवाइड करेंगे? हाँ बेटा बिल्कुल डिवाइड करेंगे। तो फिर से हम ये 45 से डिवाइड करेंगे, पर किसको, इस 90 को। 45 से किसको डिवाइड करेंगे, इस 90 को। तो 45 टू जा कितना हो गया 90 माइनस जीरो। अब आप खुश हो जाओ थोड़ा सा, क्योंकि इस बार रिमाइंडर आपका जीरो आ चुका है, इस बार रिमाइंडर आपका जीरो आ चुका है ना। तो अब बस फिर से लिख दो इसी प्रोसेस को, तो लिखना तो पड़ेगा ना आपको, ऑन डिवाइडिंग 90 बाय 45 वी गॉट 2 एज कोसेंट, जो 2 मिला है आपको वो क्या है, कोसेंट है, एंड 0 एज रिमाइंडर। और यूक्लिड साहब ने क्या कहा था याद है आपको पिछले क्वेश्चन में, कि वो प्रोसेस, इस प्रोसेस को भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड साहब ने कहा था वो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में डिवाइड रिमाइंडर जीरो आता है। तो ये वाले प्रोसेस में अपना रिमाइंडर जीरो आया, तो उसी प्रोसेस का जो डिवाइजर होता है ना, दैट विल बी योर एचसीएफ। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है 45, सो एचसीएफ कितना हो जाएगा अपना 45, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इन दिस केस डिवाइजर इज 45, इन दिस केस डिवाइजर इज 45, सो एचसीएफ इज 45 आंसर। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा कि कैसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का एचसीएफ, राइट? आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर है? बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है तो आप बता सकते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ठीक है, आप नोट कर लीजिए पहले, देखते हैं नेक्स्ट। तो अब आप यहीं पे, मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं कि आप कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन बेटा, कि एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, ये जो फाइंड करने का प्रोसीजर है एचसीएफ, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप वो आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब अगर बात एचसीएफ की हो रही है, तो मैं आपको एक दूसरा मेथड है जो एक्सरसाइज में है वो भी, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, है ना, तो वो मेथड भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, तो दोनों मेथड आपको अगर सिखा दिया तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना, दो मेथड, फिर चाहे तो आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बात बताना मुझे, सिंपल एक बात बताना कि प्राइम नंबर तो मैंने सिखाया था आपको पहली क्लास में। प्राइम नंबर क्या होता है? ये प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो नंबर खुद से डिवाइड हो या फिर वन से डिवाइड हो और उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। तो यही तो होता था प्राइम नंबर। पहला नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 कंटिन्यू। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर क्या है। तो जब मैं बात करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि हम जो फैक्टर करेंगे उस फैक्टर में सारे नंबर किस फॉर्मेट में होने वाले हैं, सारे नंबर कैसे होने वाले हैं, प्राइम फैक्टर होने वाले हैं, है ना। सारे नंबर कैसे होने वाले हैं, प्राइम फैक्टर होने वाले हैं। बस अगर आपने इतनी सी बात ध्यान रखी तो आगे कुछ करना ही नहीं है, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताना वो करके, है ना। एक क्वेश्चन है, पहले आप मुझे करके बताओ। एक्सप्रेस एक्सप्रेस 140 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस 140 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आप बोलोगे सर ये क्या है? अरे ये तो वही है ना जो बचपन में अपन करते थे। देखो 2 से पहले डिवाइड करते थे, 2 7 जा 14 और ये 0, फिर 2 से डिवाइड किया 2 35, फिर 5 से डिवाइड किया 5 7 जा 35, फिर 7 से किया तो 1। तो इसी चीज को हम, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, क्या 140 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 2 × 2 × 5 × 7? 1 तो लिखो या ना लिखो, तो 140 को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पे जितने नंबर हैं, देखो बाबू जितने नंबर हैं, ये 2, ये 5, ये 7, ये 2, ये 5, ये 7, क्या ये प्राइम नंबर है? तो लिख दिया ना हमने 140 को इसके प्राइम फैक्टर में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में। 140 को लिख दिया ना हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में। यही तो है प्राइम फैक्टर, ये तो आपको आता है पहले से, और जस्ट हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा तो ये हो गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। क्लियर है इतनी बात? एक और दिखा देता हूं मैं आपको। 156 का अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या आएगा? 2 से पहले डिवाइड कर लो, 2 7 जा 14, 1 के ऊपर 6 आएगा, 2 8 जा 16। उसके बाद वापस आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 39, 2 9 जा 18। फिर 3 से करोगे, 3 13 जा 39, फिर 13 से करोगे 1। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 156 का जो प्रोडक्ट होगा प्राइम फैक्टर का, वो होगा 2 × 2 × 3 × 13। अब बाबू अगर आपको इतना लिखना आता है ना, आप HCF फाइंड कर सकते हो, आप बिल्कुल HCF फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम आपको सिखाते हैं कि HCF कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ, हाउ टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे HCF फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? आपको प्राइम फैक्टर करना आता है किसी भी नंबर का। तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, फाइंड एचसीएफ ऑफ
26 एंड 91। फाइंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों का फैक्टर कर लेते हैं। तो 26 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 × 13 लिख सकते हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में मैंने लिख दिया। 91 को लिख सकता हूँ मैं 13 × 7 लिख सकते हैं। तो अब HCF के, ये मुझे याद था इसलिए, टेबल अगर आपको याद है तो 13 की टेबल में ये दोनों आते हैं, 26 भी और 91 भी। तो अब जो मैं लिखने वाला हूं उसको बेटा ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से। HCF फाइंड करने के लिए कहते हैं, HCF को क्या कहा जाता है, HCF कैसे आप फाइंड करोगे, तो HCF के लिए मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी एक मिनट में, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। सिमिलरली एलसीएम भी देख लेंगे, यहीं पे 2 मिनट लगेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। अब समझना ध्यान से, बस एक मिनट हो गया, HCF LCM तुरंत खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक है, पेपर में पूछे जाते हैं। HCF हमें फाइंड करना है, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट लिखो, HCF क्या होगा, प्रोडक्ट होगा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन। बेटा यही डिफरेंस है, थोड़ा सा देखना, कॉमन मतलब ऐसा फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेना है, ऐसे फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेना है जो दोनों में हो, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, है ना। हम बोलते हैं ना, हमारा तुम्हारा कॉमन स्कूल है क्या, इसका मतलब हम दोनों का स्कूल एक ही है। कॉमन का मतलब ऐसे फैक्टर जो दोनों के पास हो। आप देखो दोनों के पास कौन सा फैक्टर है, ये 13 है जो दोनों के पास है, तो बोल दो ना बेटा HCF 13 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आ गया समझ में, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन वर्ड बेटा ध्यान रखना, कॉमन वर्ड, ये इंपॉर्टेंट, कॉमन वर्ड। LCM क्या हो जाएगा, बता दो LCM मुझे भी, 2 मिनट में LCM बता दो, सारे अच्छे बच्चे हैं बता देंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे बच्चों, चलो बता दो जल्दी से। LCM देखो क्या है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किसका, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। बेटा बस यहाँ सा थोड़ा सा समझ लेना, ये जो कॉमन है ना, यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ पे आपको सारे फैक्टर लेने हैं पर उनके ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, सारे फैक्टर है, तो 13 लिया, 13 का पावर 1 है, 2 लिया, 13 लिया, 2 लिया, 7 लिया, सबका पावर क्या है, 1 है। ईच फैक्टर लेने हैं ना, ये देखो ईच फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं उन सब का ग्रेटेस्ट पावर लेना है, तो यहाँ तो सबका पावर एक ही एक था, तो सारे फैक्टर ले लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 182 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो हमने HCF भी सीख लिया, LCM भी सीख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन पेपर में आता है ना, बहुत आसान है, बहुत, मुझे तो लग रहा है कि आप बिल्कुल समझ गए होगे, है ना, मज़ा आ रहा है क्या आपको पढ़ने में, मज़ा आ रहा है तो यार लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, है ना। चलो आ गया समझ में, एक क्वेश्चन और लेते बेटा, एक क्वेश्चन और आपको, देखो मैं ये टॉपिक तो आज समझा के जाने वाला हूँ मैं बिल्कुल, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, सेम क्वेश्चन, find LCM and HCF of LCM and HCF of 510 and 92। दो नंबर ले लिया हमने, हमें किस मेथड से करना है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन से।
तो सबसे पहले आप फैक्टर कर लो 512 के, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 1 के ऊपर 1 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 255, 255। इसके बाद इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से कर सकते हैं, कर सकते हैं। 3 कैसे पता चला 3 से कर सकते हैं, सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब किससे कर सकते हैं, अब इसको 5 से कर सकते हैं 17। अब किससे कर सकते हैं, तो 17 1 जा 17। तो क्या मैं 5 1 10 को ऐसा लिख सकता हूँ, 2 into 3 into 5 into 17, 2 into 3 into 5 into 17। सिमिलरली 92 का भी कर लेते हैं। बस बेटा वीडियो एंड कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लो। 92 को कैसे करेंगे, 2 4 जा 8, 1 के ऊपर 2 आया, 2 6 जा 12, 2 से 23, 23 से 1। तो 92 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 92 को अगर लिखूं तो 2 into 23, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 square into 23। अब HCF और LCM देख लेंगे, 2 मिनट का काम है, बस 2 मिनट समझ लो। HCF क्या होता था, डेफिनेशन दिखाता हूँ आपको। HCF क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले देखो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या क्या है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर देखना बेटा, स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हो गया, 2 to the power 1। तो ये लेंगे हम स्मॉलेस्ट पावर, उसका प्रोडक्ट। तो 2 कॉमन था और 1 भी था, तो मैंने 2 ले लिया। और बताओ क्या आएगा, और कुछ कॉमन है, ये 3 तो यहां है, यहां नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं, और कुछ कॉमन ही नहीं है। डेफिनेशन ही था ना अपना, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो सिर्फ 2 आया क्योंकि 2 ही कॉमन था, बाकी कुछ था ही नहीं। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, है ना। HCF क्या हो जाएगा, 2। अब LCM बता दो, LCM क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ, ये देखो ना, ये देखो देखो देखो, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। ग्रेटेस्ट पावर सारे फैक्टर का, सारे फैक्टर, ईच फैक्टर लेने हैं। तो मैंने 2 लिया, 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2, तो ये ले लिया मल्टीप्लाई। 3 का ग्रेटेस्ट पावर है क्या, 3 है, तो सिर्फ 3 लिखा। 5 है तो 5 लिखा, 17 लिखा, 23 लिखा। ये सारे नंबर को आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे ना बेटा, तो आपका एलसीएम का आंसर आ जाएगा यहां से 23460, 23460। प्रोडक्ट लिखना था सारे फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर यहां 2 था, क्योंकि एक जगह 2 to the power 1 है और यहां 2 to the power 2 है, तो मैंने लिया 2 to the power 2, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो HCF आ गया। यही तो था LCM और HCF। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ मैं होमवर्क में, उम्मीद है कि आप करेंगे, और कमेंट में आंसर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में आंसर देना आप, ठीक है। 336 and 54, फाइंड LCM एंड HCF, ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतना ही, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। मुस्कुराते रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, एक बड़ी सी स्माइल के साथ, है ना। चलो बाय, टेक केयर।